देखेंगे गजल गजलात की किताब, गजल गजलात की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 14 आयत से हम देखेंगे आज इकलाम में से खुदा के पाक रूह ने जो हदायत की। मैंने सुबह उठ के इकलाम कुछ और तैयार किया, खुदा ने कहा नहीं ये मुझे नहीं पता यहाँ पर इसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन खुदा के पाक रूह ने जो दिया मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जिस तरह से खुदा मुझे इस्तेमाल करे मैं हाजिर हूँ। लिखा है पाक कलाम में से 14 आयत से हम पढ़ेंगे, ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों की दरारों में और करारों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज़ सुना, क्योंकि तू महजबीन और तेरी आवाज़ शीरी है। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे। हालेलुया। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम कौन हैं। खुदा के पाक लहू से धुली हुई उसकी कलीसिया होनी चाहिए, और कलीसिया आसमान से नहीं आई, जमीन पर ही है, और वो कलीसिया आप और मैं हैं। हमें किस तरह से खुदा के हजूर रहना, क्या खुदा अपनी कलीसिया को किस तरह से पसंद करता है, हमें खुदा किस तरह से पुकारता है, क्योंकि वो अपनी कलीसिया से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि उसने अपने बेटे को आसमान से नीचे जमीन पर दे दिया, और उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया अपनी कलीसिया के लिए, ताकि उसकी कीमत अदा की जाए, और उसके पाक और पवित्र लहू से उसकी कीमत अदा हो चुकी है। हालेलुया। यहाँ पर खुदावन अपनी कलीसिया से फरमा रहा है कि ऐ मेरी कबूतरी, जब एक जोड़ा शादीशुदा होता है तो बहुत प्यार मोहब्बत से, जवान मोहब्बत, और इस मोहब्बत में दूल्हा दुल्हन से मोहब्बत करता है जिस तरह से, और वो उसको कई नाम देता है, कभी ऐ मेरी कबूतरी, कभी ऐ मेरी हसीना, कभी ऐ मेरी महजबीन, कभी ऐ मेरी जमीला। इसी तरह से खुदावंद हमें भी पुकारता है कबूतरी, क्योंकि कबूतर आपको पता है बहुत मासूम परिंदा है, और कबूतर ही की शक्ल में खुदा का पाक रूह आता है, और ये खुदावन की ख्वाहिश है कि वो हमें कबूतर की माने, हमसे प्यार करें, ताकि हम मासूम बनकर खुदावन के कलाम को कबूल कर सकें। खुदावन कहता है कि ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों की दरारों में और करारों में की आड़ में छिपी। हमारे चुगिर्द क्या है? खुदा हमें चाहता है कि ऐ जमीला, ऐ मेरी कबूतरी, तू चुटा मेरी आवाज़ को सुन, लेकिन हम तो मासूम नहीं रहे, हम तो अपने चुगिर्द, हमने तो दीवार खड़ी कर ली है, और ऐसी दीवार के हमने पत्थरों की दीवारें खड़ी की हैं, हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं, हमारे दिल अब नरम नहीं है। हमें जबकि खुदा कहता है कि गोश्ताई दिल चाहिए, यहाँ पर हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, हम एक दूसरे के लिए नरम दिल नहीं रखते, हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत का दिल नहीं रखते, बल्कि हमारे दिलों में नफरतें, कदूरतें और पता नहीं क्या क्या भरा है।
खुदावन कहता है कि तूने तू जो पहाड़ों की आड़ में छुपी है, चट्टानों में, चट्टान आपको पता बहुत सख्त होती है, उसको तोड़ते हुए भी बहुत सख्ती जोर लगता है। खुदा कहता है कि तू ऐ कबूतरी मुझे अपना चेहरा दिखा। खुदा चाहता है कि हम उसके हजूर झुकें। जब हम उसके हजूर झुकते हैं, अपने आप को सजदा करते हैं, तो हमारा चेहरा खुदा देखता है और वो चाहता है कि हमसे बात करे, वो चाहता है कि हमारी आवाज को सुने, वो चाहता है कि हम उस अपनी आवाज उस तक पहुंचाएं, हम पुकारें उसको। क्या हम पुकारते हैं सच्चाई से? जब हम खुदा के हजूर झुकते हैं, हम कहते हैं जी, जब किसी से पूछे ना कि सिस्टर जी दुआ किया करें या भाई आप दुआ किया करें, कहते हैं सिस्टर दुआई बड़ी कर लेंगे, अभी तो दिन रात दुआ कर रहे हैं। तो फिर कैसी दुआ है कि आपके मसले क्यों नहीं हल होते? ये कैसी दुआ है कि जो खुदा तक नहीं पहुंचती, ये कैसी दुआ है? ये खुदा को क्यों नहीं पसंद आती? इसलिए क्योंकि हम अपना लिंक जो है वो खुदा के साथ डायरेक्ट नहीं करते। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी सोचें इस दुनिया में होती है, हमारी सोच इधर उधर भटक रही होती है, हमारी सोच में होता है ओए हमने तो ये काम भी करना है। बहनें अक्सर जब दुआ करती हैं, हाँ हांडी भी ले आनी है, हमने बच्चों को भी लेने जाना है, हमने तो खाना भी बनाना है, हमारे ये भी रिश्तेदार हैं, इन सोचों में आप गुम रहते हैं। इसी तरह से भाई भी इसी तरह से जब दुआ करते हैं तो दुआ में हम खमीर मिक्स करते हैं, खालस दुआ नहीं होती। जबकि खुदा क्या चाहता है कि हमारे साथ हमारा लिंक जो है वो खुदा के साथ डायरेक्ट होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, क्योंकि खुदा हमारा प्योर है, वो खालस खुदा है और वो खालस चाहता है, खालस नियत से, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी रूह से जब हम उसको पुकारते हैं तो खुदा हमारी आवाज को सुनता है। खुदा चाहता है कि हम पूरे रूह दिल जान जिस्म से उसको पुकारें और उसकी आवाज को सुनें, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और वो कहता है क्योंकि तू माँ जबीन और तेरी आवाज शीरी है। हम जैसे भी हैं, जिस तरह से भी हैं, चाहे हमारे नाक मोटे पतले जिस तरह से, लेकिन उसने हमें अपनी छवि पर बनाया है, वो हमें से इतना प्यार करता है, वो फिर भी हमें कहता है तुम्हारी जमीन है तू। हम खुदा के प्यारे हैं और वो कहता है कि तू हमें मुझे अपनी आवाज सुन। यहाँ पर निचली आयत पर देखें, 15 आयत पे, कि हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो हमारे ताकुस्तान खराब करती हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम एक जोड़ा शादीशुदा होता है, अपना घर बसाता है और हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, हम बड़ी मुश्किल से, दिन रात की मेहनत से उन बच्चों को पालते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, लेकिन क्या होता है जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो इब्लीस उनमें आ जाता है। किस तरह से? नहीं, दूसरे लोग आकर आपके बच्चों को खराब करते हैं जो कि खुदा को नहीं जानते। इब्लीस आकर आपके बच्चों को खराब करता है। यहाँ पर लिखा है पकड़ो उन लोमड़ी बच्चों को, इब्लीस के बच्चों को। दूसरे लोगों के बच्चे जो हैं वो आपके बच्चों को खराब करने के लिए आ जाते हैं, उनको सिखाते, उनको पढ़ाते हैं और आपके घर बर्बाद हो जाते हैं, आपकी मेहनत जाया, आप रोते हैं, दुख में रहते हैं। आज हमें दर्द लगा है, इसी बात का दर्द है, क्यों? हमारी ताकतों में तो फूल आने वाले थे। आपको पता है जब कोई फसल उगती है तो जब पकने पे आती है उससे पहले उस पे फूल लगते हैं,
फल देने से पहले फूल लगते हैं, और हमारी फसलें जब पक जाती हैं, फूल लगने वाले होते हैं, तो लोमड़ी बच्चे आकर उनको छीनने जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे घरों में दुआ नहीं हो रही, हमारे घरों में वो तरबियत नहीं हो रही, हमारे बच्चों की वो तरबियत नहीं हो रही जो कि खुदा चाहता है। मेरे अजीज, होश से, नींद से जागे, क्योंकि ये वक्त है हमें अपने घरों को बचाने का, हमें अपनी फसलों को बचाने का। मेरे साथ एक और हवाला देखिए, हालेलुया, हिजकिय्याह की किताब, हिजकिय्याह नबी की किताब 13 बाब और उसकी 4 आयत से हम देखेंगे। ऐसा ही तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानद हैं जो वीरानों में रहती हैं। तुम रखनों में नहीं गए और ना बनी इसराइल के लिए फसील बनाई ताकि वो खुदावंद के दिन जंग गाह में खड़े हों। हालेलुया। यहाँ पर अगर बनी इसराइल के लिए खुदा कह रहा है, तो आज हम अपने लिए ये बात लेंगे कि ऐ कलीसिया, तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानिक है जो वीरानों में। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, हमारे खादम इस पावर में नहीं है कि घरों को बचा सके। हमारे खादम जो है वो घरों में जाते हैं, दुआ करवाते हैं। सॉरी पास्टर, थैंक यू। हमारे खादम कलीसियाओं के लिए प्रणाम कहते हैं, कलीसिया को जब खादम, जो खादम कलीसिया की परवाह करता है, उसके लिए बोझ से दुआ करता है, उसके लिए रोजे रखता है और उसकी जाके तरबियत करता है, वो खादम खुदा का नबी। लेकिन यहाँ पर एक आम बात कर रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ कि आज जो हालात चल रहे हैं, नबियों का ये हाल है कि वो लोमड़ियों की तरह जाते हैं। तुम रानों में रहते हैं, तुम रखनों पर नहीं गए। आज तलाक की शरह कितनी बढ़ गई, जरा सोचिए। क्यों हमारे घरों में झगड़े हो गए? क्यों हमारे घर तबाह हो गए? क्योंकि उन बच्चों की तरबियत नहीं की है। और वो उनकी जब शादियां आगे से होती हैं, तो उनके दरमियान रखने आते हैं। उन रखनों में खड़े होने के लिए खुदा के खादमों की जरूरत है, क्योंकि खादमों के अंदर खुदा का रूह काम करता है। तो जब खुदा का रूह काम करता है, तो इसका मतलब है वहां पर खुदा का रूह की जरूरत है, उन खादमों की जरूरत है, ताकि वो इन घरों को जोड़ सके, तोड़ ना सके, तबाह ना कर सके, बल्कि जोड़ सके, वो लोमड़ी बच्चे ना बने, बल्कि उन लोमड़ी बच्चों को पीछा करे। यहाँ पर लिखा है, पकड़ो उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकस्तान खराब करते हैं। मेरे अजीजों को नींद से जागने की जरूरत है कि हम उठें और पहचाने अपने चौगिर्द, क्या हमारे चौगिर्द क्या चल रहा है, हमारे घरों में क्या चल रहा है, हमारी जिंदगियों के चौगिर्द क्या चल रहा है। अभी इसने हमें घेरा है, आज वक्त है, क्योंकि खुदा हमें पुकार रहा है। खुदा कहता है, मेरी कलीसिया, ऐ मेरी माँ जबीन, तू जो रखनों के पीछे चली गई, जो पत्थरों के पीछे, जो चट्टानों के पीछे चली गई, निकल यहाँ से और मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज़ सुना, क्योंकि खुदा खुद सुनता है हमारी आवाज़।
आज वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें और अपनी रूह को, अपनी जानों को खुदावन के हजूर गिराए। और जो कोई खुदा के हजूर अपनी जान को, रूह को गिराता है, उसी को खुदा उठा खड़ा करता है। हालेलुया। आज जरूरत है इस बात की और हमें इन बात की फसील बनानी। आज खुदा के खादमों की ये जरूरत है कि वो बनी सैल को ये फसील बनाए और उस रखने में खड़े हो जाए जिस रखने को अबलीस ने कायम किया है। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे और आपके घरानों को हमेशा